शहर की जनता को लेकर आज एक बार फिर से पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि आमने सामने आ गई। दरअसल कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता के ऊपर एक ढोल बजाने वाले के साथ मारपीट सहित उसके सीने में लात मारने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उग्र सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधायक विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि दो दिन पहले एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में काफी लोग भीड़ लगाए हुए थे। सूचना पर जब कोतवाली थाना पुलिस पहुंची तो उस दौरान सभी लोग भाग गए, लेकिन मौके से कोतवाली पुलिस मुझे पकड़कर ले आई और थाने में उसके साथ मारपीट करने के साथ साथ टीआई अनिल गुप्ता ने सीने पर लात भी मारी और उसे आधी रात तक थाने में बिठाए रखा। राहुल के सीने में टीआई के लात मारने से आक्रोशित होकर कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए। विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि कोतवाली थाने के साथ साथ माड़ोताल थाना भी अपराधियों के संरक्षण का अड्डा बन गया है। पुलिस का काम है शरीफ आदमी के सम्मान की इज्जत और उस सम्मान की रक्षा करना, लेकिन अगर जबलपुर शहर के व्यापारियों के साथ बदतमीजी होगी, जबलपुर शहर के एक शरीफ आदमी के साथ बदतमीजी होगी और बड़े गुंडे बदमाशों को टेबल कुर्सी देके चाय पिलाई जाएगी, तो ऐसा प्रशासन हमको नहीं चाहिए। आज हम कोई अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ने नहीं यहाँ पर आए, आज हम उस आम नागरिक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं जिसका सम्मान जो है कोतवाली थाने में नहीं रखा जा रहा। लगातार शिकायत हो रही थी, लगातार व्यापारी शिकायत कर रहे थे क्षेत्र में कोरोना के चलते। हमने कहा कि कोरोना बीमारी है, इसलिए हो सकता है शिकायत भी जायज हो और पुलिस भी कार्रवाई कड़ी के कारण ये सब बातें आ रही। लेकिन परसों रात को एक लड़के को पकड़ा गया, राहुल को। ये राहुल बेन समाज का एक सदस्य है, यानी एक उस तबके का आदमी है जो सबसे वंचित तबका है, छोटा तबका है। प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो सबसे वंचित आदमी है, सबसे आखिर पंक्ति का है, उसके लिए सरकार चल रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, उस राहुल बेन को उसके ऊपर केस दर्ज नहीं किया गया, उसके ऊपर धारा 188 नहीं लगाई गई। जब मैं से पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उस पर उसने रात को 1:30 बजे ढोल बजाते हुए उसको रोका गया, तो मैंने कहा उसके ऊपर केस रजिस्टर क्यों नहीं किया, उसको जेल में बंद क्यों नहीं किया, उसको जेल क्यों नहीं भेजा। उस समय तो आपने उसको छोड़ दिया, और जब वो अपना ढोल वापस लेने के कारण जब मैंने उसको फ़ोन करके खबर करी कि इस गरीब आदमी का ढोल दे दो, यही उसका दो वक्त की रोटी का जरिया है, तो कल रात को उसके छाती में लात मारी गई, उसके साथ लात जूते करने के बाद उसको माँ बहन की गालियाँ बकी गई। ये इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और जबलपुर शहर के पुलिस प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी है, किसी भी थाने के अंदर अगर शरीफ आदमी के साथ बदतमीजी हुई, शरीफ आदमी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, तो कांग्रेस एक थाना नहीं, अगला थाना माड़ोताल का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि इस समय माड़ोताल थाना भी जो है अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। लगातार जनता की वहाँ से शिकायत आ रही है। आज मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ, उस राहुल के साथ पुलिस माफ़ी मांगे। कोतवाली और कमानिया में ठेले लगाने वाला डरता है, आगे से उसको महसूस हो कि वो भी सीधे बात कर सकता है पुलिस के अधिकारियों से। राहुल बेन और उसके साथ जो चर्चा होगी उसकी जानकारी हमें मिलेगी, और जो निर्णय राहुल बेन करेगा वो हम लोग उस पर आगे काम। मैंने उनसे एक लाइन पे बात करी है कि इस राहुल बेन को और उनके यूनियन के लोगों को लेके जाएं। मैं ये भी मांग नहीं करता, क्योंकि टीआई तो ये रहेगा, दूसरा रहेगा, अगर बदतमीज होगा तो कल को हमको उसके खिलाफ भी बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस मध्य प्रदेश में सुशासन है, गरीब आदमी की बात सुनी जाती है, तो वो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस राहुल बेन के साथ अगर सही व्यवहार होता है वो निर्णय लेने वाला है। आज से हम लोग ने अपना बदलाव कांग्रेस ने किया है कि हम लोग उस आम आदमी के साथ हैं जो वाकई रूप परेशान है, और आज अगर हक दिलाया जाएगा तो राहुल बेन को दिलाया जाएगा। जबलपुर शहर के कोतवाली कमानिया के व्यापारियों को दिलाया जाएगा, फुहारे में जो हाथ ठेले लगाते हैं, जो वाकई वंचित वर्ग है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आज 10:30 बजे की घटना है। टीआई साहब तो मैंने हाथ जोड़ के बोला सर मेरा ढोल दे दीजिए आप, विनय सक्सेना जी ने मुझे पहुंचाया है, उनने मुझे गाली बकी और वहाँ बाहर बैठा लिया मुझे। उसके बाद 11:30 बजे फिर मैंने उनसे बोला ढोल के लिए, तो उनने पहले मेरे ऊपर छाती में लात चलाई और फिर गाली बकी उनने, उसके बाद मुझे ढोल दिया उनने रात में टीआई साहब ने।